अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के साथ आज हमारे पास हमारा टॉपिक है बिकमिंग द ऑनर ऑफ अ स्मॉल बिजनेस। इट मीन्स दैट आप अब स्मॉल बिजनेस के ऑनर बनने के लिए जा रहे हैं। तो जब आप अपने स्मॉल बिजनेस के ऑनर बनने के लिए जा रहे हैं तो आप कौन सा बिजनेस स्टार्ट करेंगे, किन चीज़ों को जो है आप फोकस करेंगे, वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनको आप फोकस करते हुए अपने बिजनेस को स्टार्ट करेंगे। Look at this, it is a part 2 from your book. और आपके इस part 2 में आपके पास 3 topics मौजूद हैं। जब आप अपने business को जो है organize करने के लिए जा रहे हैं कि आप सबसे पहले जो है अपने business के बारे में सोच रहे हो कि कौन सा idea सबसे ज़्यादा best है जो आपके business के लिए important है, then फिर आप उसी business को जो है organize करो, plan करो, in sense of that manage करो complete business को। और इसी पार्ट में हम ये देखेंगे कि आप अपनी राइट फाइनेंसिंग जो है वो कहाँ से हासिल कर सकते हैं। नाउ आज अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं कि आप अपना अब बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जा रहे हो, आपके पास कैपिटल आ चुका है, आप ये चीज़ चॉइस कर चुके हो कि आपने जो है कौन सी फॉर्म ऑफ ऑनरशिप जो है वो डिसाइड करनी है, देन पेपर वर्क आप अपना सक्सेशन प्लान्स के जो है वो आप राइटली कर चुके हैं, तमाम के तमाम चीज़ें जो है आप क्या कर चुके हो अपने लास्ट चैप्टर्स में देख चुके हैं। नाउ अब जो है आज हम ये देखेंगे कि जब आप अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं तो वो कौन कौन से प्रोसीजर्स हैं या वो कौन कौन से स्टेप्स हैं जो आप अपने बिजनेस में लेंगे, देन फिर आप अपनी आइडेंटिफाई करेंगे निच मार्केट्स को, फिर अगेन फिर ये सोचेंगे कि आपने अपना बिजनेस स्टार्ट करना है या आपने बिजनेस को बाय करना है। इट मींस दैट एग्जिस्टिंग बिजनेस की तरफ जाओगे या न्यूली स्टार्टअप लेना है। और फर्दर मोर आप ये देखोगे कि अगर आपने जो है न्यूली बिजनेस की तरफ नहीं जाना है, स्टार्टअप नहीं लेना, तो वो ब्रांड जो पहले से मौजूद है अपनी गुडविल और अपनी एंटिटी के साथ, आप उसके साथ जो है जाकर आपने उसके साथ फ्रेंचाइजिंग करनी है। यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, इन चीज़ों को हम इस चैप्टर में जो है अब ओवरलुक करेंगे। सबसे पहले हम इस पिक्चर को समझने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअली ये पिक्चर जो है वो किस चीज़ के ऊपर फोकस कर रही है और इसका इस स्लाइड में होने का क्या मतलब है। बिजनेस फॉर्मेशन एंड ऑपरेशन जो है वो क्या है, यहाँ पर आपके पास इस पिक्टोरियल का टाइटल है। इट मीन्स दैट जब आप अपना बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हो तो सबसे पहले जो है आपके पास एक फ्लोरिश आइडिया होना चाहिए, वो आइडिया जो कि मार्केट में या तो पहले से प्रिवेल नहीं करता, लेकिन अगर मार्केट में मौजूद है तो इट मीन्स दैट वो आइडिया अगर मार्केट में मौजूद है तो आप क्या कर रहे हो, उस आइडिया को किसी न्यू इन्वेंशन के साथ जो है वो इंट्रोड्यूस करवा रहे हो, बीइंग अ एंटरप्रेन्योर। इट मीन्स ऑफ दैट वो जो आइडिया आप जो है मार्केट में लेके आ रहे हो उसकी बेस के ऊपर आप क्या कर रहे हैं, अपने पास अपने बिजनेस को जो है वो स्टार्टअप ले रहे हैं। आइडिया जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग आपके पास आपके बिजनेस के अंदर, जितना बेस्ट आइडिया होगा, जितना ग्रूम आइडिया होगा और जितना इन्वेंटेड आइडिया होगा, इसी तरीके से आपका बिजनेस जो है वो आगे सक्सेसफुल रहेगा। एनी वेज, आइडिया के बाद आप जाते हो अपने पास ऑनरशिप मैनेजमेंट की तरफ, विच वन मैनेजमेंट एंड वेदर इज द सोल प्रोप्राइटरशिप, वेदर इज अ पार्टनरशिप, वेदर इज अ कॉरपोरेशन, वॉट विच वन इज द बेस्ट ऑनरशिप फॉर द बिजनेस। इट मीन्स ऑफ दैट अब ऑनरशिप आपके पास आ गई, दैन फिर आपके पास अब उस ऑनरशिप के साथ जो आपके पास आपकी मनी आ रही है, इट मीन्स दैट कैपिटल मौजूद है। कैपिटल के बाद आपने अपने बिजनेसेस को जहाँ पर रन करना है, आप अपने प्रीमिसेस डिसाइड कर रहे हो, अपना इक्विपमेंट डिसाइड कर रहे हो, आप अपना सप्लाई चेन डिसाइड कर रहे हो, दैन फिर आप जो है मटीरियल, इट मीन्स दैट आपने अपना डिसाइड कर लिया, दैन फिर आप ऑपरेशनल प्रोसीजर्स की तरफ जा रहे हो। जब आपने अपनी गुड्स एंड सर्विसेज को बना लिया है तो इस गुड एंड सर्विसेज के अंदर जो है आप उसकी सेलिंग एंड बाइंग को देख रहे हो, जनरेट कर रहे हो रेवेन्यू जनरेट करने के बाद जो है अपने एक्सपेंसेस को उसमें से डिडक्ट कर रहे हो और फिर फाइनली डिसाइड कर रहे हो कि ये आपके पास जो है प्रॉफिट है या फिर ये आपके पास लॉस है। प्रॉफिट भी हो सकता है और आपके पास लॉस भी हो सकता है। इट मीन्स ऑफ दैट ये आपके बिजनेस की फॉर्मेशन एंड ऑपरेशन की पिक्टोरियल एक्सप्लेनेशन मौजूद है। आइडिया आप जनरेट कर चुके हो, ऑनरशिप मैनेजमेंट जो है अब आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, देखने की तरफ जा रहे हैं। ऑनरशिप मैनेजमेंट में भी आप जो है फॉर्म ऑफ बिजनेस को देख चुके हैं कि लीगल फॉर्म ऑफ बिजनेस कौन कौन सी होती हैं। अब नाउ आप अपने आइडियाज को देखते हुए इस चीज़ को डिसाइड करेंगे। नेक्स्ट वन इज दैट स्टेप्स टू गोइंग इनटू द बिजनेस। बिजनेस में जो है आप स्टेप जो है आप ले रहे हो,
नाउ अब आप एंटर हो रहे हो अपने बिजनेस की तरफ. एंटर होते टाइम आप क्या कर रहे हो, मतलब वो कौन कौन से की आस्पेक्ट्स हैं जिनको देखते हुए आपने क्या करना है अपने बिजनेस को जो है वो स्टार्ट करने, स्टेप्स टू गोइंग इनटू द बिजनेस. आइडेंटिफाई नीड. ओके, आप अब जिस सराउंडिंग में काम करना चाहते हैं वहाँ पर ऐसा कौन सा बिजनेस है जो कि मौजूद नहीं है, और वहाँ पर लोगों के लिए जो है वो नीड वहाँ पर मौजूद है. इट मीन्स ऑफ दैट कि अगर आप बिजनेस को ओपन करोगे तो वो बिजनेस जो है वो बहुत अच्छी तरीके से आपको सक्सेसफुली एक रन हो जाएगा. ओके, तो आप क्या करें अपने टारगेट मार्केट की या आपकी जो टारगेट ऑडियंस है या आप जहाँ पर काम करना चाहते हो आप वहाँ पर उसको आइडेंटिफाई करें कि कौन सा बिजनेस ऐसा है जो कि सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल रहेगा इस डोमेन में. देन मार्केट की स्टडी करें, मार्केट की स्टडी करके देखें कि वो जो नीड वहाँ पर मौजूद नहीं है उसके उसके बिहाफ पर वो कौन कौन से रीजंस हैं, क्या वहाँ के पॉपुलेशन जो है वो इस चीज़ को जो आइडिया आपके पास जनरेटेड है या जो नीड वहाँ पर आपको नज़र आ रही है क्या पॉपुलेशन उस चीज़ को सपोर्ट नहीं करती है या लोग यूज्ड टू नहीं है. देन आप मार्केट की जो है आप टारगेट मार्केट आपकी अपनी सिगमेंटेशंस डिमांड इन तमाम चीज़ों को आप क्या कर रहे हो वहाँ पर अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हो. देन फिर जब आप उसको अंडरस्टैंड कर लोगे तो देन फिर आप इस बात के लिए जाओगे कि आप अपना बिजनेस स्टार्ट करोगे या बाय करोगे या फ्रेंचाइजिस की तरफ जाओगे. जब आप ये बात डिसाइड कर लेंगे तो देन फिर आप अपने मिशन ऑब्जेक्टिव एंड स्ट्रेटजीज की तरफ जाकर बात कर रहे होगे. मिशन आपके पास जो है, आप काम क्या करना चाहते हो, आपके बिजनेस फिलोसफीज क्या है, और उस बिजनेस फिलोसफी की आप क्या करेंगे ऑब्जेक्टिव बनाएंगे कि हाउ टू अचीव दैट मिशन. देन फिर जब आप अपने ऑब्जेक्टिव्स को बना चुके होंगे तो देन फिर उसके बाद आप उस ऑब्जेक्टिव तक पहुंचने के लिए अपनी सिचुएशन वाइज स्ट्रेटजीज जो है वो ड्रॉ करोगे. देन फिर आप जाओगे अपने ऑपरेशनल प्लान्स की तरफ. ऑपरेशनल प्लान्स इसमें अंदर जो डेली बेसिस पे आपके पास काम हो रहा है वो डेली बेसिस का जो काम है वो किस तरीके से जो है ऑपरेट होगा, इन तमाम के तमाम चीज़ों को जो है आप वहाँ पर प्लान कर रहे हो. और इसके साथ आप अपने फाइनेंशियल प्लान्स को प्लान डील कर रहे हो कि आप अपने इक्विटी को कितना रेस करोगे. इसके अलावा आप डेप लोगे तो अगर आपने किसी से जो है ना फाइनेंशियल असिस्टेंट चाहिए तो फाइनेंशियल असिस्टेंट आप जो है ना वो कहाँ से ले रहे होगे, बैंक्स की तरफ जाओगे, रिलेटिव्स की तरफ जाएंगे या दूसरे जो फाइनेंशियल प्रोवाइडर इंस्टीट्यूट्स हैं आप उनकी तरफ जाओगे. देन पे बिजनेस प्लान डेवलप कर रहे हो और इन तमाम के तमाम प्लान्स को जो है वहाँ पर इम्प्लीमेंट कर रहे हो. तो ये आपके पास वो स्टेप्स हैं जिसको देख ये वो मैक्सिमम स्टेप्स हैं जिनको देखते हुए आप क्या कर रहे होते हो, जिनको फॉलो करते हुए आप अपने बिजनेस का स्टार्टअप ले रहे होते हो कि अपनी नीड्स, अपनी मार्केट, अपना क्या स्टार्टअप, देन अपने पास अपनी प्लानिंग्स, प्लानिंग की सारी टाइप्स आप देखोगे और देन प्लानिंग्स के टाइप्स देखने के बाद जो है आप क्या कर रहे हो इम्प्लीमेंट कर रहे हो. तो यहाँ पर जो है ये आपके पास वो पॉइंट्स हैं जिनको देखना ज़रूरी है. फाइंडिंग योर निश मार्केट, इट मीन्स ऑफ दैट कि सबसे पहले आपको क्या करना है, आइडेंटिफाई नीड करनी है आपको. आपको ज़रूरत देखनी है कि आपके पास आपकी सराउंडिंग्स की जो है वो कौन सी नीड्स हैं. उन जरूरत को देखने के लिए आप क्या कर रहे हो, अपनी निश मार्केट को स्टडी कर रहे हो. आपके सराउंडिंग्स में जो मार्केट्स मौजूद हैं वो उन मार्केट्स को जो है वो आप क्या कर रहे हो स्टडी कर रहे हो. सर्च फॉर द गुड एंड सर्विसेज टू सेल, वो कौन से गुड एंड सर्विसेज हैं जिनको अगर आप जो है इंट्रोड्यूस करवाओगे तो वो आपके लिए जो है बेनिफिशियल साबित होंगी या आपका बिजनेस जो है वो सक्सेसफुल रहेगा. देन फिर निश मार्केटिंग की फाइंडिंग्स देख रहे हो कि जाहिर सी बात है निश मार्केटिंग आपके पास स्मॉल होगा, आप अपने एरियाज को और फिर आप वहाँ पर ये डिसाइड करोगे कि इट मे बी अ प्रॉफिटेबल और नॉट. एंड अगर ये प्रॉफिटेबल है तो कितना टाइम ड्यूरेशन है जो आपको आप प्रॉफिटेबली रीच करोगे उस जगह तक जाते जाते, दैट इज़ कॉल्ड द निश मार्केट फाइंडिंग्स. तो स्मॉल एंड प्रॉफिटेबल के आप अपनी जो है निश मार्केट में तमाम के तमाम चीज़ें देख रहे होगे, गुड एंड सर्विसेज कौन कौन सी हैं, ऑब्वियसली सी स्मॉल सी स्मॉल होगा और आप अपना प्रॉफिट अगर वहाँ पर जनरेट कर रहे हो तो आप अपने प्रॉफिट को जनरेट करते टाइम कितना टाइम लोगे प्रॉफिट को जो है अपने मार्केट से एक्वायर करते हुए. फिर उसके बाद करोगे सर्चिंग प्रोडक्ट एंड सर्विसेज. प्रोडक्ट एंड सर्विसेज जो है वो कहाँ से आप जो है सर्च कर सकते हो, वो कौन कौन से डोमेन है जहाँ से आपको क्या आपकी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज की जो इंफॉर्मेशन है वो आपको मिलेगी. फॉर एग्जांपल दैट यहाँ पर हम इसको जो है एग्जांपल के थ्रू जो है ज़रा इसको हम अंडरस्टैंड करते हैं. आप जो है मार्केट में आपने सोचा कि आपने ये स्पेसिफिक प्रोडक्ट के साथ जो है मार्केट में इन होना है. अब वहाँ पर जो है आप कौन सा जो वो प्रोडक्ट मौजूद है
उसकी मार्केट डिमांड इस टाइम कौन सी है। ओके, हर दफ़ा जो है जाहिर सी बात है, जैसे ही टाइम ड्यूरेशन चेंज हुआ, आपका टेस्ट चेंज हो रहा होता है, आपकी ब्रांडिंग चेंज हो रही होती है, लोगों के फ्लेवर्स चेंज हो रहे होते हैं, उनके एटीट्यूड उसको लेते हुए जो है वो क्या हो रहे होते हैं, चेंज हो रहे होते हैं। तो अब आप अपने जो आइडिया है उसके रिलेटेड जो आपकी प्रोडक्ट है या उससे भी रिलेटेड जो आपकी सर्विसेज हैं, आप उन सर्विसेज को क्या कर रहे हो, सर्चिंग करने की कोशिश कर रहे हो। तो ना अब वो सर्चिंग करने के जो रिसोर्स हैं, वो रिसोर्स जो है वो आपके पास कहाँ कहाँ से आ रही हैं। सबसे पहले आपके पास जो है, आप देख रहे हो अपने न्यूज़पेपर्स को, जहाँ पर न्यूज़पेपर में आपके पास क्लासिफाइड्स मौजूद हैं, और क्लासिफाइड्स में जाकर आप देख रहे हो कि भाई कौन से बिजनेसेस जो हैं वो सेल हैं और कौन से बिजनेस, कौन से प्रोडक्ट्स जो हैं वो फॉर सेल पड़ी हुई हैं आपके क्लासिफाइड में। आपको लग रहा है कि ये जगह आपके लिए सुटेबल है और ये बिज़नेस जो है इसके अंदर, क्योंकि आपकी एक्सपर्टीज़ मौजूद है, आपको नो हाउ मौजूद है, तो आप इस बिज़नेस को बेस्ट वे में जो है वो रन कर सकते हो। तो यहाँ पर क्या हो गया आपके पास कि जो न्यूज़पेपर में आप आपको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, वो रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो है वो आपके पास आपके न्यूज़पेपर में जो है वो मौजूद है। तो वो रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो आपके पास न्यूज़पेपर में मौजूद है, आप क्या कर रहे हो उसको वहाँ पर जो है रन कर रहे हो, आप उसको जो है एक्वाइट कर रहे हो। देन फिर उसके बाद हॉबीज़ एंड रिक्रिएशन की बात करें, आप लोगों की हॉबीज़ को देख रहे हो, आप उनकी हॉबीज़ को ऑब्जर्व कर रहे हो कि एक्चुअली लोगों की जो है वो हॉबीज़ क्या हैं, आप उनकी हॉबीज़ को जो है वो सर्च कर रहे हो, और हॉबीज़ को देखने के बाद जो है वो डिसाइड कर रहे हो कि आपको जो है किस प्रोडक्ट को लेके जाना है और आपको कौन सी सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड करनी है लोगों को। समटाइम जो है आप, जैसे कि फॉर एग्जांपल दैट हम इंटीरियर डिज़ाइनिंग की बात करें, तो इंटीरियर डिज़ाइनिंग उसमें जो है, अगर हम गर्ल्स की तरफ आएँ तो गर्ल्स जो है मोस्ट प्रोबेबली जो है वो इंटीरियर डिज़ाइनिंग की तरफ आ रही होती है। वहाँ पर अब आप ये क्या कर रहे हो, जिस जगह पर, जैसे कि आपने अपने बिजनेस को जो है वो तारिक रोड में ओपन करना है, आपको अपना फ्रेंचाइज जो है या आपको अपना आउटलेट जो है वो वहाँ पर जो है स्टार्टअप लेना है, तो आप क्या करोगे, वहाँ की लोकल सराउंडिंग की जो है वो नीड देखने की कोशिश करोगे, आप लोकल सराउंडिंग्स की हॉबीज़ को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करोगे कि वहाँ पे लोग जो है वो किस तरीके से रहना पसंद करते हैं। और यही चीज़ जो है, अगर आप डिफेंस या क्राफ्टिंग की तरफ जाओ, तो वहाँ पर आप अपने निच मार्केट को देखने के बाद, उनकी हॉबीज़ को देखने के बाद जो है, इवन के आप अपने आइडियाज़ रिक्रिएट भी कर सकते हो, कुछ न्यू थिंग्स जो है ना आप अपनी जो इंटीरियर डिज़ाइनिंग में है उसके अंदर जो है आप क्या कर सकते हो, इनपुट कर सकते हो। तो दैट इज़ कॉल्ड द हॉबीज़ इन द रिक्रिएशन। फिर इसके बाद ये आपकी ऑब्जर्वेशन बेस्ड है, न्यूज़पेपर आपका रीडिंग बेस्ड है, या आपकी जो है वो ऑब्जर्वेशन बेस्ड है। टॉक टू द पीपल, लोगों से बात करें, वो लोग क्या चाहते हैं, मतलब जस्ट फोकस ग्रुप इंटरव्यू आप क्या करें वहाँ पे प्लान करें, और लोगों से बात करें कि आप जो आइडिया मार्केट में इनिशिएट करने के लिए जा रहे हो, इस आइडिया को लेते हुए लोगों की एक्चुअली जो है वो क्या क्या थिंकिंग है, लोग क्या सोचते हैं, और वहीं से आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअली आपके आइडिया के अंदर जो है वो कितनी ग्रिप मौजूद है, या आपके आइडिया के अंदर कितनी डेप्थ मौजूद है, जिसकी वजह से जो है वो कितना सक्सेसफुल रहेगा। ये चीज़ जो है ना, वो आप क्या करेंगे वहाँ पर अपनी जब लोगों से आप बात कर रहे होंगे, तो वहाँ पर आप क्या क्या करेंगे, इस चीज़ को जो है वो अंडरस्टैंड कर लेंगे कि आपके बिजनेस में जो है वो कितनी डेप्थ मौजूद है। वहीं से आपको अंदाज़ा होगा कि ये आइडिया फ्लोरिश करना है, या आप जो है ये जो आइडिया आपके पास मौजूद है ये इतना ज़्यादा जो है कंस्ट्रक्टिव नहीं है, और इसको कंस्ट्रक्टिव करने के लिए जो है अभी आपको इसके ऊपर और काम करने की ज़रूरत है। देन फिर आप ऑब्जर्व करोगे, स्टडी एंड लक के ऊपर काम करोगे, इट मीन्स ऑफ दैट पाकिस्तानी होंगे तो मोस्ट प्रोबेबली लक के ऊपर काम करोगे कि हम जो है अल्लाह का नाम लेकर जो है इस बिज़नेस के ऊपर अपना इन्वेस्टमेंट जो है वो लगा देते हैं, नो इशू। एनीवेज, ऑब्जर्व के ऊपर बात ऑब्जर्व कर रहे होगे कि ओके फाइन, ठीक है, मैं इस एरिया में रहता हूँ और इस एरिया में जो है बिजनेस मौजूद नहीं है, तो इस बिजनेस को जो है मैं यहाँ पर रन कर सकता हूँ। ऑब्जर्व कर रहे हैं या फिर आप स्टडी कर रहे हैं, और फिर फाइनली लक की मैं बात बता ही चुकी हूँ कि आंखें बंद करी और आपने मतलब वो वाली बात हो गई ना कि समंदर के इन बिटवीन गए, बिल्कुल सेंटर पॉइंट पे गए, और वहाँ पे जो है ना आपने समुंदर पे जंप लगा दिया, आपको स्विमिंग नहीं आती है, लेकिन आप क्या कह रहे हैं, लक के ऊपर बेस कर रहे हैं कि जो है मैं यहाँ से तो निकल ही जाऊँगा किसी ना किसी तरीके से, तो या तो लक बेस के ऊपर काम कर लें आप। तो सर्चिंग ऑफ द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, अपना आइडिया जनरेशन के लिए आप नॉर्मली क्या कर रहे हो, आइडेंटिफाई नीड करने के लिए आप क्या कर रहे हो, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को सर्च आउट कर रहे हो। कुछ क्वेश्चन हैं जो कि आपको जो है आस्क करने हैं खुद से, कि जो आइडिया आप जनरेट करने के लिए जा रहे हैं, क्या उसके लिए जो कैपिटल रिक्वायर्ड है और सक्सेसफुल बिजनेस कॉम्पिटेंसीज रिक्वायर्ड हैं, क्या वो आपके पास मौजूद हैं, आप उसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो या नहीं कर सकते, उससे जो आने वाले इनकम है वो आपके आप
अपने जो इमेजिनेशंस की हुई है उसको सेटिस्फाइड कर रही हैं या नहीं कर रही, इसके अलावा रिस्क कितना इन्वॉल्व है उसके पास, उसकी फैमिली एंड अदर रिसोर्सेज, जब आप उसको अंदर दैट्स व्हाट हम सक्सेशन प्लान की बात करते हैं सम टाइम, तो क्या आपके पास जो है वो तमाम की तमाम चीज़ें जो हैं आप उसको जो है टेक केयर करोगे, ये बिजनेस कब तक रन होगा और देन फिर इस्टेब्लिश करने में कितना टाइम लग रहा है, मार्केट विडवर्ड बनाने में कितना टाइम लग रहा है, और क्या आपके आइडिया के अंदर इतना पोटेंशियल मौजूद है कि वो गोइंग कंसर्न्स पे रहे, और इसके अलावा एंजॉय करोगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आपको जिंदगी में कभी वो काम नहीं करना चाहिए जिस काम को करते हुए आप एंजॉय ना करो, आपको जॉब भी हमेशा वो करनी चाहिए जिसको करते हुए आप क्या करो एंजॉय करो, ताकि आपकी इंटरेस्ट बेस्ड जॉब हो वो आपके लिए बर्डन ना बने, सेम इज दैट अगर वो बर्डन नहीं बनेगी तो अल्टीमेटली वो जो है आपके लिए क्या होगी प्रॉफिटेबल होगी, ये लाइफ की भी फिलॉसफी है अगर देखा जाए तो। एनीवेज नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं बिजनेस सिलेक्शन चेकलिस्ट, जब आप बिजनेस सिलेक्शन चेकलिस्ट पे जा रहे हो तो आप यहाँ पर जो है कैपिटल रिक्वायरमेंट्स चेक कर रहे हो, डिग्री इन्वॉल्व, जैसे कि वो जो लास्ट स्लाइड में यहाँ पर क्वेश्चंस थे उसको आप हमने क्या किया यहाँ पर एक पंच वर्ड्स में जो है डाल दिया है, अमाउंट ऑफ वर्क इन्वॉल्व, कितना वर्क बर्डन होगा, कहीं आपके पास जो है आपकी ज़िंदगी में आपकी आपकी प्रोफेशनल लाइफ और आपकी फैमिली लाइफ अलग होनी चाहिए, ऐसा ना हो कि आप किसी एक जगह पर आप इतने ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाएँ कि दूसरी लाइफ जो है वो आपकी डिस्ट्रॉय हो जाए। दैन इंडिपेंडेंसी क्या इंडिपेंडेंसी आपको कितनी ज़रूरत है उस बिज़नेस को लेने के अलावा, इस बिज़नेस का पोटेंशियल क्या है, इवन इट पीस ऑफ दैट इसका फ्यूचर क्या है, सोर्स ऑफ डेटा आप जो है देखोगे कि इन तमाम चीज़ों को जब आप देख रहे हो तो आप वहाँ पर देख रहे हो कि आप जिन चीज़ों से जहाँ से आइडियाज इंगेज कर रहे हो वो कितना वैलिड जो है सोर्स ऑफ डेटा मौजूद है वहाँ पर। देन स्टडी मार्केट करते हो तो स्टडी मार्केट्स के टूल्स जो है ना वो आप कौन कौन से देख रहे हो, या वो कौन सी स्पेसिफिक चीज़ें हैं जिनका पेपर वर्क करके जो है आप क्या कर रहे हो अपने आपको मार्केट में एंटर कर रहे हो इन द प्रोस्पेक्टिव्स ऑफ मार्केटिंग। बाय द वे मार्केट रिसर्च की बात कर रहे हो, आप मार्केट रिसर्च करोगे, आप खुद जो है चीज़ों को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करोगे, इंफॉर्मेशन गैदर करोगे, उसको एनालिसिस करोगे और देन फिर उससे जो है अपना डिसीजन जो है वो कंक्लूड कर रहे हो, ये तमाम की तमाम चीज़ें जो है आप क्या कर रहे हो मार्केट रिसर्च से ले रहे हो। दैन पे लोकेशंस को जहाँ पर आप अपना बिजनेस करना चाह रहे हो, क्या आपका सिगमेंटेशन जो है सिगमेंट बिंग सेटिस्फाइड, वो जो लोकेशन है या जो बिजनेस आप जिस जगह पे करने के लिए जा रहे हो वहाँ का सिगमेंटेशन आपसे जो है ना सेटिस्फाइड होगा या नहीं होगा, कोई एक मार्केट सेगमेंट उठाएं, कोई एक प्रोडक्ट जो है ना वो आप क्या करें वहाँ पर उस बिजनेस को करने के लिए स्टार्टअप लेते टाइम जो है ना आप अपना एक मार्केट सेगमेंट और एक मार्केट प्रोडक्ट को जो है वो वहाँ पर इन्फेसाइज करें और दैन फिर जो है ना वहाँ पर उसको इम्फेसाइज करने के साथ साथ जो है उसको रीड आउट करें कि ये सबसे पहले स्टार्टअप में जो है ना आप अपना एक प्रोडक्ट लें और एक सेगमेंट लें। देन लिमिटेड रिसोर्सेज लिमिटेड ऑप्शंस, आपके पास रिसोर्सेज ज़्यादा नहीं है तो अंडरस्टूड सी चीज़ें कि आपके पास आपके ऑप्शंस जो हैं वो अल्टीमेटली कम हो जाते हैं, कि लिमिटेड रिसोर्सेज जो हैं वो हमेशा जो है लिमिटेड ऑप्शंस पर जाकर ख़त्म हो जाते हैं। जाहिर सी बात है आप एक जो है ना टेक्नोलॉजी यूज़ करना चाहते हो, फॉर एग्जांपल दैट कि आपके पास जो है एक फूड जो है आउटलेट मौजूद है, फूड आउटलेट के लिए क्या आप कौन से टेक्नोलॉजी यूज़ करोगे, समहाउ दैट थोड़ी देर रुकें और इस बात को सोचें कि फूड आइटम पे जो है आप कोई और टेक्नोलॉजी यूज़ कर सकते हो, मतलब अभी आपने अपनी ऑब्जर्वेशन पे देखा कि आपके पास सर्विंग की टेक्नोलॉजी में कुछ नए आप इन्रिच कर सकते हो क्या इसके अंदर, ऑब्वियसली इसी चीज़ है कहीं ना कहीं गैप मौजूद होगा और उस गैप को जो है जब आप कहीं कहीं पर आप जो है बींग अ कंज्यूमर जाते होगे तो आपके माइंड में फॉरन आइडिया जनरेट होता होगा कि अगर ये जहाँ होती तो टेस्ट भी बहुत अच्छा है इस जगह का, इस जगह की सर्विसेज भी बहुत अच्छी है, लेकिन अगर ये स्पेसिफिक चीज़ यहाँ होती तो ये काम जो है बहुत अच्छा हो सकता था। इट मीन्स ऑफ दैट वो चीज़ क्यों मौजूद नहीं है वहाँ पर, अल्टीमेटली उसका ऑप्शन ये होगा कि भाई उनके पास रिसोर्सेज मौजूद नहीं है, तो आप अपने रिसोर्सेज कहाँ से बेस्ट वे में जनरेट कर सकते हो और आप अपने आइडियाज़ को जो है वो जनरेट करके जो है अपनी अपनी मार्केट में या अपनी प्रोडक्ट को जो है वो सक्सेसफुल बना सकते हो, तो दैट इज़ कॉल्ड द स्टडी ऑफ द मार्केट। आप अपनी सराउंडिंग को ऑब्जर्व कर रहे हो, आप जिस मार्केट में बैठना चाह रहे हो, आप जिस मार्केट में जो है अपने बिजनेस को ग्रो करना चाह रहे हो, आप उस मार्केट को क्या कर रहे हो रीड कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल दैट पाकिस्तान में आपने कराची में आप उसको जो है और जो है स्मॉल कर दो कि अपनी मार्केट को,
कराची में जो है किस एरिया की तरफ जाकर आप बात करेंगे, फिर आप उस एरिया के वाइज जो है अपने सेगमेंटेशन को रीड आउट करने की कोशिश करोगे कि वो सेटिस्फाइड होगी या नहीं होगी। देन वन मार्केट सेगमेंटेशन या वन प्रोडक्ट की बात कर रहे होंगे आप वहाँ पर, और अपने और वहाँ पर मार्केट में जो है ना आप ये चीज़ देखेंगे कि आपके पास ऑप्शंस तो बहुत ज़्यादा हैं लेकिन आपके पास जो है रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा लिमिटेड हैं। तो आप अपने लिमिट में रहते हुए, अपने रिसोर्सेज में रहते हुए आइडियोलॉजिकल ऑप्शंस को किस तरीके से इस्तेमाल करोगे, दैट इज़ योर द वन आस्पेक्ट। फिर हम एस्टिमेटेड मार्केटिंग मार्केट साइज़ को एस्टिमेट करेंगे कि आप अपने पास जब अपना बिजनेस जो है रन करने के लिए जा रहे हो तो एस्टिमेटिंग मार्केट साइज़ जो है वो क्या है। मतलब यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि इन फ्यूचर आपकी आपका प्रोडक्ट सक्सेसफुल भी, आप अपने स्टार्टअप भी ले चुके हो, आपका प्रोडक्ट सक्सेसफुल भी हो चुका है, अब उसके अंदर कितना पोटेंशियल मौजूद है, क्या वो लार्ज मार्केट को कैप्चर करेगा, उस स्पेसिफिक जो वो प्रोडक्ट मौजूद है उसका इंडस्ट्री साइज जो है वो क्या है। जैसे कि अभी हम सिर्फ बात करें ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की, मतलब आपने सोचा कि आप जो रेंट ए कार का बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो और आपने रेंट ए कार में जो है बिजनेस में कुछ नई कुछ न्यू जो है इन्वेंशंस जो है या कुछ न्यू आइडिया जो है वो मार्केट में इंट्रोड्यूस करवा दिए, तो अब रेंट ए कार की जो इंडस्ट्री है, क्योंकि इसका मतलब है रेंट ए कार में आपकी इंडस्ट्री कौन सी आ गई, आपके पास ऑटोमोबाइल की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री आ गई, ठीक है, या आपके ऑटोमोबाइल के डीलर्स भी इसके अंदर मौजूद हैं। अब वो उसकी इंडस्ट्री साइज जो है वो आपके मार्केट साइज को रिफ्लेक्टिव दे रहा है, मार्केट साइज को जो है ना वो रिफ्लेक्ट कर रहा है कि इंडस्ट्री साइज जो है वो वहाँ पर कितना मौजूद, कितनी बड़ी आपके पास जो है ना आपकी इंडस्ट्री मौजूद है। जितनी बड़ी आपके पास इंडस्ट्री मौजूद होगी इतने ही ज़्यादा आइडियाज़ जो है ना आपके पास जो है वो जनरेट होंगे, और फिर आप क्या करें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का इस्तेमाल करते हुए अपने उन आइडियाज़ को जो है बेस्ट वे में जो है वो इस्तेमाल करना शुरू करते हैं। देन मुझे रेंट ए कार को हम आगे मूव करते हैं कि वेयर इज़ द मार्केट, उसकी मार्केट कहाँ होगी। मतलब सोचें रेंट ए कार का बिजनेस उठा के जो है ना आप स्टार्ट कर दें टंडो अलायार में, टंडो अलायार में रेंट ए कार का जो बिजनेस जो है वो सक्सेसफुल रहेगा, मेरे हिसाब से रहेगा, सही, ओके, लेकिन मार्केट साइज थोड़ा छोटा है उसका। वेयर तो अब आप ये देख रहे हो कि सक्सेसफुल तो रहेगा लेकिन कितनी मार्केट साइज मौजूद होगा उसका। अब वहाँ उसको देखते हुए कि अगर हाउ लार्जेस्ट मार्केट, अगर मार्केट साइज जो है इसका इतना बड़ा नहीं है, टिंडोला यार का मार्केट साइज जो है वो इतना ज़्यादा बड़ा नहीं है, मतलब देखिए मैं रूलर्स इनकी बात कर रही हूँ आपसे, अब उसका मार्केट साइज बड़ा नहीं है। नाउ सेकंड क्वेश्चन इज दैट कि उसके मार्केट साइज को आप लॉन्ग कैसे कर सकते हो। कोई मसला नहीं है, टिंडोला यार है, टिंडोला यार के साथ आपके पास जो है ना हाला भी मौजूद है, आपके पास भी प्रखास भी मौजूद है, आपके पास इधर आकर हैदराबाद भी मौजूद है, और हैदराबाद के बाद जो है आप कराची को भी टच कर सकते हो। फिर हाला से आप निकलोगे तो बैक साइड पर उसके नवाबशाह का एरिया स्टार्ट हो रहा है, शिकारपुर स्टार्ट हो रहा है। इट मीन्स ऑफ दैट कि आप अपनी मार्केट को रेंट ए कार के बिजनेस में आप अपनी मार्केट को एरिया वाइज एक्सपेंड कर सकते हो। अब आप उसके जो है अब आप वहाँ पे अकोमोडेशन को जो है कम या ज़्यादा कर सकते हो, जाहिर सी बात है फ्यूल एडजस्टमेंट की यहाँ पर बात आ जाएगी। देन फिर जो है कितनी सीटर आपके पास जो है आपकी रेंट ए कार में जो है कितनी सीट्स मौजूद हैं, आप उनको किस तरीके से अवेल करना चाहते हो, आप जो है क्या करोगे वहाँ पर इन तमाम चीज़ों को फोकस कर लोगे। दैट इज़ कॉल्ड द हाउ लार्जेस्ट मार्केट, आप अपनी मार्केट किस तरीके से लार्ज कर सकते हो, अपनी टारगेट मार्केट को आइडेंटिफाई कर रहे हो और देन फिर उसके साइज को जो है वहाँ पर डिसाइड कर रहे हो। टारगेट मार्केट में डिसाइड भाई रेंट ए कार कौन आपके पास जो है वहाँ से फैसिलिटेट होगा, आपके टारगेट मार्केट क्या होगी, आपके जो है आपका स्टूडेंट, सही, या फिर जो है जो बिजनेस पर्सनल्स होते हैं, या जो वो लोग जो रिटेलर या होलसेलर्स होते हैं वो नॉर्मली क्या कर रहे होते हैं एक जगह से दूसरी जगह के लिए जो है इस तरह की फैसिलिटीज़ को इंजॉय कर रहे होते हैं या फैमिलीज इंजॉय करेंगी आपके पास। देन साइज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इनकम, अब अफोर्डेबिलिटी चेक कर रहे हो, आपकी जो पॉपुलेशन है क्या वो अफोर्डेबल है, जो जो मार्केट में आप आइडिया लेकर आए हो, या रेंट ए कार की हम बात करते हैं तो वहाँ पर फेयर जो है आप इसका कितना रख रहे हो या कितना डिसाइड कर रहे हो, दैट इज़ कॉल्ड द साइज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इनकम की बात कर रहे हैं। फिर ये जो रेंट ए कार का बिजनेस है ये आपके पास सेल्स में ग्रोइंग है, स्टेबल है या डिक्लाइनिंग है, आप इसको ग्रो कर सकते हो या जो है ना ये एक स्टैटिक पॉइंट पे जो है रहेगा, आप एक फ्रीजिंग पॉइंट पे जाकर जो है ना आप इसके साथ काम कर सकते हो, या फिर जो है टाइमली ये मूव हो जाएगा। आपका आइडिया जो है वहाँ पर क्या कर रहा है ये दिखा रहा है कि भाई अब आप जो है ना ग्रोइंग रहोगे इसमें, स्टेबल रहोगे या डिक्लाइनिंग फॉर्म में जाओगे। आपका कॉम्पिटिटर वहाँ पर मौजूद है, और अगर आपका कॉम्पिटिटर मौजूद है तो वो कितने परसेंट सक्सेसफुल है वहाँ पर,
एंड इंडस्ट्री टेक्नोलॉजी, किस तरह की टेक जो है ना वो आप वहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हो। मतलब आप मेहरान के साथ भी तो रेंट ए कार इस्तेमाल कर सकते हो। ज़रूरी थोड़ी है कि जो है ना आप ट्यूटर की एक्सेल आई एंड जी एल आई को इस्तेमाल करो या फिर लियाना को इस्तेमाल करो। जैसा एरिया है आप उसके हिसाब से जो है ना अपनी कार को जो है वो इस्तेमाल कर सकते हो। तो दैट इज़ कॉल्ड द इंडस्ट्री टेक्नोलॉजी। देन कॉम्पिटिटर्स की बात है कि ऑलरेडी वहाँ पर कॉम्पिटिटर्स मौजूद हैं। अगर कॉम्पिटिटर्स मौजूद हैं तो कितना सक्सेसफुल हैं और वो अपने आप को सक्सेसफुल बनाने के लिए कौन कौन से टिप्स एंड ट्रिक्स जो है वो इस्तेमाल कर रहे होते हैं। दैट इज़ द एस्टिमेटिंग मार्केट साइज़ के आप अपने आइडिया को देखने के बाद अपने मार्केट साइज़ को जो है वो एस्टिमेट कर रहे हो। अब हम चाहेंगे कि ये देखने के लिए कि एक पर्सन को अपना बिजनेस खुद स्टार्ट करना चाहिए। अगर खुद स्टार्ट नहीं कर रहा तो वो बाय कर रहा है, और अगर बाय कर रहा है तो फ्रेंचाइज बाय कर रहा है या पहले से इस्टेब्लिश बिजनेस ले रहा है। नाउ यहाँ पर ये आपके क्वेश्चन हैं जो कि मोस्ट प्रोबेबली आपके एग्जाम्स का पार्ट बन रहे होते हैं। रीजन्स टू स्टार्ट अ बिजनेस एंड रीजन टू नॉट स्टार्ट अ बिजनेस। राइट डाउन एनी 10 पॉइंट्स वाई यू आर गोइंग टू एंटर दैट काइंड ऑफ बिजनेस। एंड ऑब्वियसली ऑल्सो राइट डाउन द 10 पॉइंट्स वाई यू आर नॉट गोइंग टू इंटर दैट काइंड ऑफ बिजनेस। ओके, तो यहाँ पर जो है ये आपके पास आपका थिंकिंग क्वेश्चन है, थिंकिंग स्लाइड आपके पास यहाँ पर मौजूद है। नाउ रीजन्स फॉर बाइंग एन एग्जिस्टिंग बिजनेस। देखें इन सारे पॉइंट्स को जो है ना मैं समअप करती हूँ आपके पास जो है कंक्लूजन में, समराइज करते हैं ज़रा इसको, और आप लोग फॉर अ वाइल खुद को बींग एंटरप्रेन्योर समझ के सोचें बैठें। बाइंग इज एग्जिस्टिंग बिजनेस, आप किसी का बिजनेस क्यों बाय करोगे? सबसे सबसे अच्छी चीज़ जो इसकी है, मार्केट में गुडविल ऑलरेडी मौजूद है, आप फ्लोरिश्ड आइडिया के साथ जो है वो लोग आपको जानते हैं, आपका एम्प्लॉय उसको पता है कि उसने काम किस तरीके से करना है, एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉय मौजूद है, प्रोडक्ट और सर्विसेज को लोग वहाँ पर जानते हैं। समटाइम लोग ऑनर को नहीं जानते लेकिन वो उस प्रोडक्ट को जानते हैं। तो प्रोडक्ट जो है वो आपके पास मौजूद है, डिज़ायरेबल लोकेशन आपको साथ मिल रही है, बैंक क्रेडिट रिलेशनशिप्स जो है वो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बिजनेस के साथ जो है वो मौजूद हैं। अब बैंक क्रेडिट रिलेशनशिप इट्स अप टू यू कि जो बिज़नेस आप ख़रीदने के लिए जा रहे हो वो कितना पॉजिटिव जो है वो साउंड करते हैं बैंक क्रेडिट रिलेशनशिप में। देन रेवेन्यू, प्रॉफिट एंड गुडविल, ये तीनों चीज़ें जो है ना वो आपके पास क्या है, एग्जिस्टिंग बिजनेस में जो है वो मौजूद है। सम टाइम हो सकता है जब आप उस बिज़नेस को बाय करने के लिए जा रहे हो तो उसका रेवेन्यू कम हो, प्रॉफिट जनरेशन कम हो, लेकिन हो सकता है कि आप उसके अंदर एफर्ट डालें और आप कुछ न्यू जो है ट्रिक्स एंड टिप्स यूज करें जिसके बाद जो है ना आप क्या कर सकते हो उसको जो है उससे जो है अपना प्रॉफिट इंक्रीज कर सकते हो। इट मीन्स ऑफ दैट रीजंस फॉर माइंग एग्जिस्टिंग बिजनेस मीन वहाँ पर आपको ऑलरेडी जो है ना पूरी लोकेशन मौजूद है, सेटअप मौजूद है उस बिज़नेस का, उस बिज़नेस की गुडविल मौजूद है, क्रेडिट रिलेशनशिप मौजूद है, एम्प्लॉय ऑलरेडी काम कर रहा है वहाँ पर, और दैन फिर जो है वहाँ पर प्रॉफिट और गुडविल के साथ जो है आप अपनी सराउंडिंग में आपने निश मार्केट को जो है वो कैप्चर किया हुआ है। ओके, दैन अगर ये चीज़ें मौजूद हैं तो फिर वो कौन सी चीज़ें जिसकी जिन चीज़ों को देखते हुए आप उस बिज़नेस को बाय नहीं करोगे? आपका एम्प्लॉय जो है कंजर्वेटिव माइंडेड है। ओके, मतलब पुअर एम्प्लॉयज़ का मतलब क्या है, आपके आपके एम्प्लॉयज़ को टेक्निक्स ही नहीं पता कि वो काम को किस तरीके से करना है, और फिर अब आप जो है इतने बड़े एम्प्लॉय को नहीं निकाल सकते। ओके, तो